घंटे बिताने वाला हूँ इस बर्फ के बने मकान में। ये बहुत ही ज्यादा ठंडा है क्योंकि ये है आइस आइस आइस। यहाँ इसका टॉयलेट भी आइस से बना है। अरे यार इसकी सीट कितनी ठंडी है। काफी मुश्किल होगा ये, मेरे पास बैठने की भी जगह नहीं है। दरवाजा बंद करो। इसका बर्फ का दरवाजा 272 किलो का है। और ये हो गया, 24 घंटे शुरू होते हैं अब। जिमी से बात करते हुए मैंने कुछ नोटिस किया कि हम इस बर्फ के आर पार देख सकते हैं। मुझे कुछ टेस्ट करना है। ए जिमी, ये दिख रहा है? मेरा पिछवाड़ा गीला हो गया। जेंटलमैन यहाँ आओ। तुम्हें पता है ये मीटिंग क्यों बुलाई? नहीं, हमें नहीं पता। अगर मैंने इस आइस में 24 घंटे बिता दिए तो तुम लोगों को सिरप और फेदर में डूबकर रोड के साइड में खड़े रहना होगा। लेकिन अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं खुद सिरप और फेदर में डूबकर रोड के साइड में खड़ा रहूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरी टीम में शामिल होना है तो अंदर आ जाओ। नहीं नहीं, मैंने सिरप खरीद लिया है और वो मुझ पर नहीं डलेगा, बस इतना ही। चले जाओ, उसे बाहर निकालना ही होगा। मैं पनिशमेंट नहीं करने वाला। हाँ, ये तो पक्का है। मैं पनिशमेंट नहीं करने मैं वाला। ये नहीं करने जिमी वाला। तुम बाहर आओगे, तुम हारने वाले हो। यहाँ मस्त गर्म है जिमी, यहाँ अच्छी गर्मी है, तुम वहाँ जम जाओगे। मैं जम रहा हूँ। उससे बात करके हम उसकी मदद कर रहे हैं, वो जितनी बात करेगा उतना गर्म होगा। क्या कहते हो तुम? झाड़ से सब कुछ ढक देते हैं। जिमी को कुछ दिखाई नहीं देगा अब। ये सब इसलिए ताकि मैं देख ना सकूं। हाँ। ओह, अरे ये तो थैंक यू मेरे फ्रंट डोर में झाड़ रखने के लिए। हो गया तुम्हारे? मुझे लगा ये तुम्हारे लिए नाइस होगा। मेरे हाथ ठंड की वजह से लाल पड़ गए हैं। तरीक, क्या तुम हो? हाँ, क्या हो गया जिमी? बाकी बॉयज कहाँ हैं? वो खाना लेने गए हैं। अभी तो शुरू किया है। वो हमेशा भूखे रहते हैं, पता है ना? ओह, तुम्हारे पास ग्लव्स हैं टेरी। और वो गरम है, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे ख्याल से तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए। ठीक है, पर किसी को बताना मत। बस तुम ही एक सच्चे दोस्त हो। ग्लव्स के लिए थैंक यू। हे, बिल्कुल। 10,000 दूंगा अगर मेरी मदद की तो। ओह, ये तो आसान है। अब मेरे पास एक स्पाई है और बॉयज को कोई आइडिया नहीं है। अरे यार, यहाँ बहुत ठंड है। ये आइडिया अच्छा नहीं था। नीचे कमेंट कीजिए और बताइए मैंने इस वीडियो पर कितने खर्च किए होंगे, और वीडियो के आखिर में बताऊंगा मैंने कितने खर्च किए। रिजल्ट से आप शॉक हो जाएंगे। बिल्कुल चांस नहीं है कि जिमी यहाँ रह सकता है, यहाँ तो प्रैक्टिकली बर्फ गिर रही है। नहीं, ये तो मैं कर रहा हूँ, सॉरी। तो खाने में मुझे क्या दे रहे हो? इतनी सारी बर्फ है तुम्हारे पास, वही खा लो ना, दीवार चाट लो। ये चैंडलर का पॉटी करते हुए स्टैचू देख रहे हो? हाँ। एक घंटे में खाना नहीं मिला तो इसका सिर फोड़ दूंगा। फाड़ में जाओ तुम। वाओ चैंडलर, ये तुम्हारा सिर है, मुझे दे दो। सच में तुम बहुत मीन। वाओ, पता है मुझे क्या खाना है? पैनकेक सिरप के साथ, जैसे कि तुम लोग सिरप में भीगने वाले हो। समझ गया, ठीक है, पैनकेक सिरप के साथ। अरे मजाक कर रहा था, मुझे पैनकेक्स नहीं चाहिए। तुम्हें पैनकेक्स और सिरप दूंगा मैं। और हाँ जिमी, मैंने नोटिस किया है कि तुम्हें ठंड लग रही है, इसलिए ये लो जैकेट, मजे करो। मेरी पिंकी के लिए? बाद में अफसोस होगा, अब ठंड नहीं लग रही। तुम्हें बहुत ठंड लग रही है, तुम बस बोल नहीं रहे हो। बहुत है, पर अब सीट तो गीली नहीं है। थैंक यू फॉर द जैकेट घोंचू। डू यू लाइक पैनकेक्स? हे जिमी, ये रहे तुम्हारे पैनकेक्स और बहुत सारा सिरप। ओ अरे वाह, बहुत सारा सिरप। ओ तो ये मेरे लिए? हाँ हाँ हाँ। ओ, ओ, ओ अरे ओ, नहीं, इस वाले में सिरप नहीं है। हे, ये रहा तुम्हारा फोर्क। क्यों? ये तुम्हें ठंड लग रही है? हमें गर्मी लग रही है। मैं इन लोगों को जवाब देकर खुश नहीं करने वाला हूँ। सॉलिटरी की तरह इन्हें लंबे समय तक इग्नोर किया तो ये बोर हो जाएंगे। मैंने नोटिस किया कि ये लोग ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 10 मिनट के लिए ही स्टूपिड बन सकते हैं, फिर थक जाते हैं। मुझे पता नहीं कितनी देर से मैं यहाँ हूँ, लेकिन अब सच में मुझे ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा ठंड। ठंड समझ में नहीं आ रहा कि मैं और क्या बोलूं। ये डेफिनेटली सबसे डिफिकल्ट चैलेंजेस में से एक है। अरे क्या यार, मेरे मुंह से बार बार थूक और पानी निकल रहा है। ये घटिया है, मैं ये सब कुछ करता ही क्यों? मुझे कुछ तीखा खाने को मिल सकता है, शायद थोड़ी गर्मी आ जाए मुझ में। हाँ, मैं समझ मुझे पता नहीं ये काम करेगा भी या नहीं, लेकिन ट्राई तो कर सकते हैं ना। अगर मुझे अभी ज्वाइन करते हो तो तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन सोच लो इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। चांस ही नहीं है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला, लेकिन हमारे पास कंटेंट के लिए एक अच्छा आइडिया है और सबको लगता है कि ये फनी है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, हमें उसे स्पॉइल नहीं करना है। इसे अप्रूव करोगे क्या तुम? बताओ ना। ओ अच्छा, खर्चा कितना आएगा? 10,000 के अंदर ही है। ठीक है, ओके। क्या बात है। बैठे हुए टाइम लैप्स। ये टॉयलेट 100% आइस से बना हुआ है,
और मुझे सुसु लगी है। आपको पता ही है मैं क्या करने वाला हूँ, रिजल्ट आप भी देखेंगे। सच कहूँ तो ये मेल्ट नहीं हुआ जैसा कि मैंने सोचा था। किसने सोचा था कि आइस टॉयलेट इतना अच्छा काम करेगा। माफ करना, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, मैं बोर हो गया हूँ यार। इस पॉइंट के बाद मेरी समझ में आ रहा था कि आगे ये चैलेंज कितना हार्ड होने वाला है। मैं कांप रहा था और मेरा साथ देने के लिए कोई भी नहीं था। ये ब्रूटर था। जिमी गैस करो, आधा दिन बीत चुका है। ये तुमने अभी तक जो भी किया है बस एक बार और उतना ही करना है। पर अब सोना नहीं है। मैं यहाँ जम रहा हूँ और मुझे हिलने की कोई इच्छा नहीं है। तो वीडियो के अगले 15 सेकंड्स के लिए तुम दोनों जो चाहो वो कर सकते हो। ऐश करो। जिमी ने हमसे कहा कि हम 15 सेकंड जो चाहे वो कर सकते हैं। उसने क्रिस की और मेरी गाड़ी किसी को दे दी थी, तो अब हम उसकी गाड़ी किसी को दे रहे हैं। ये ऑडियो गाय कितना खुश दिख रहा है, देखो अब ये गाड़ी उनकी हुई है। और ये थे हमारे 15 सेकंड्स। अपडेट इतना ठंडा है कि अब मैं अपना कैमरा भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ। टेरिक ने मेरे लिए मेरा कैमरा पकड़ा है और ब्रैडी रिकॉर्ड कर रहा है टेरिक को रिकॉर्ड करते हुए मुझे, और टाइलर रिकॉर्ड कर रहा है ब्रैडी को रिकॉर्ड करते हुए टेरिक को। मेरी लास्ट लाइन किसी ने रिकॉर्ड नहीं की, लवली। मुझे पता है देखकर पता नहीं चल रहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी और मैंने अपनी जिंदगी में इतनी ठंड कभी महसूस नहीं की थी। मैं मिजरेबल था, सच कह रहा हूँ मैं। याद है शुरुआत में मैंने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब है मैंने $3,00,000 खर्च किए हैं इस वीडियो के लिए। सच कह रहा हूँ मैं, जितने पैसों में मैंने ये बर्फ का घर बनाया है उतने पैसों में तो मैं असली का मकान खरीद लेता। मेरी तकलीफ देखकर आप एंजॉय कर रहे होगे ना, ये एक्सपेंसिव थी। ओ अभी आगे गिरने वाला है। नहीं ये हमारी ओर गिरेगा। ओ नहीं शायद गिरेगा ही नहीं, गिर गया। ओ तो तुम्हारे पास है स्लेज हैमर्स। सुसु की बू आ रही है। सुसु की बांस तो आ रही है। ठीक है बॉयज, आने के लिए थैंक यू। कल हम एक मशाल लेकर आएंगे। गुड बाय। हाँ हम कल फ्लेम थ्रोअर लेकर आएंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट जिमी। 44, 45, 46, 47, 48। मैं इतनी जोर से काउंट क्यों कर रहा हूँ मुझे भी नहीं पता। कई बार मुश्किल में हम वक्त काटने के लिए अजीब अजीब हरकतें करते हैं। फन स्टोरी, मुझे लगी है सुसु और क्रिस ने मेरा टॉयलेट बर्बाद कर दिया है। और आपको पता नहीं है लेकिन अभी यहाँ सुबह के 4 बजे और मुझे सुसु जाना है। सुबह की सुसु भरी पड़ी है मुझ में और अगर ये जल्दी से बाहर नहीं आई तो पैंट गीली हो जाएगी। मेरे ऑप्शन है टूटा हुआ प्यूडीपाई, सिर कटा चैंडलर या बेड। प्यूडीपाई होगा गीला। इसके कंटेंट से मुझे घिन आ रही है। मैं इतने दर्द में था कि मैंने अपने डॉक्टर को बुला लिया और हर आधे घंटे में मेरा टेम्परेचर चेक करने को कहा ताकि इस बात का ध्यान रख सकें कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लकीली मेरा स्पाय काम आया और उसने मुझे दिया एक ब्लैंकेट और कुछ चिकन नगेट्स। हे गुड मॉर्निंग। हम बस अभी उठे हैं और हम बहुत ज्यादा सो गए थे। बस 2 घंटे बचे हैं चैलेंज खत्म होने में। ओके चलो जिमी को बाहर निकालते हैं। कितने बजे जिमी बाहर आएगा? क्या तुम बीमार हो? हाँ थोड़ा बहुत। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जिसने भी मुझे ब्लैंकेट दिया है उसी की वजह से मैं यहाँ हूँ। इसे मेल्ट करके हम जिमी के आइस में होल करेंगे। क्या? ओ जिमी! मैं बस बताना चाहता हूँ 68 मिनट बचे हैं मेरे बाहर आने में। बस होने ही वाला है। क्यों, करना क्या चाहते हो? ए, करना क्या चाहते हो तुम? अगर यहाँ से निकल के बताओगे तो ही मानूंगा मैं। Are you sure about that? पक्का तुम बाहर नहीं आओगे? नहीं। पता नहीं मैं अब क्या करूंगा। मेरे पास एक प्रोपोजिशन है, चलो देखते हैं टाइलर तुम्हें कितना पसंद करता है। ठीक है? ये तो काफी मुश्किल है। टाइलर, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा रॉक पेपर सीजर्स, और अगर तुम जीते तो तुम इनमें से किसी एक को बचा सकते हो, और अगर तुम हारे तो तुम भी इन्हें ज्वाइन करोगे। हाँ, तो फिर मैं ये अभी कर लेता हूँ। हम एक बार ही करेंगे। मैं सीजर हूँ तो तुम्हें रॉक होना है, अगर मैं पेपर हूँ तो तुम्हें सीजर होना है, और अगर मैं रॉक हूँ तो तुम्हें होना पड़ेगा पेपर। तुम रॉक पेपर सीजर्स शूट। रॉक पेपर सीजर्स शूट। मुझे फिर भी ये चैलेंज करना पड़ेगा। आई एम श्योर। डबल या नथिंग, मैं सबको चुन सकता हूँ क्या? हाँ मैं तैयार हूँ डबल और नथिंग के लिए। ठीक है ना? रॉक पेपर सीजर शूट। ठीक है, अब चैलेंज पर फिर से पंख लगेंगे। मुझे भी करना है? हाँ। ये डबल और नथिंग सबके लिए था क्या? हाँ। अच्छा मुझे ये नहीं पता था। ये सबके लिए था। ओके मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। अब चारों पर सिरप और फेदर लगेगा। अब जब फैसला हो गया तो मैं जा रहा हूँ अपने घर में। अब हम आखिरी पड़ाव में है। डेफिनेटली ये सबसे मुश्किल चीज है जो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में की है। वैसे काउंटिंग टू 1 लैग भी है जो बहुत हार्ड था। ये आखिरी कुछ घंटे सबसे डिफिकल्ट थे। ये सब कुछ खत्म होने ही वाला था लेकिन मेरे शरीर का एक एक हिस्सा हार मान रहा था। शरीर टूटने लगा था। अरे क्या ये बाथटब है? ओह शट अप। आ जाओ हॉट टब में आ जाओ।
क्या तुम लोग इसमें जाने वाले हो? हाँ। ओ, सुन के अच्छा लग रहा है। ये सच में बहुत गर्म है। हाँ है तो। मुझे जलन हो रही है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। खुशखबरी है, मुझे अभी बताया गया कि 10 मिनट से भी कम वक्त बचा है और सेलिब्रेट करने के लिए कॉल, मुझे लगता है हमें चिल्लाना चाहिए यी हॉ। 1 2 3 लगता नहीं है तुमसे हो पाएगा, मैं खुद ही कर लूंगा। यी हॉ। थैंक यू। अच्छा 10 बज गए हैं क्या? हाँ। हमें 24 घंटे हो गए हैं ना? हाँ, हाँ। जरा चेक करो। ऑफिशियली हो गए हैं। ओ क्या ये? देखो 24 घंटे हो गए। 10 बज गए? 10 बज गए। ये इसने नया फोन लिया, क्योंकि मुझे कुछ शक हो रहा है। फोन लिया। इतना शक क्यों कर रहे हो तुम यार? ऑलराइट, मैंने 24 घंटे सरवाइव किया है इस स्टूपिड घर में। चलो अब बनते हैं बर्ड्स, और इस वक्त हम खड़े हैं रोड की साइड में जहाँ से लोग गुजर रहे हैं। तुम तैयार हो? सच कहूँ तो 24 घंटे उस बर्फ के घर में बैठने से ज्यादा बुरा था। ये तो कुछ भी नहीं। ठीक है आप पंख लगाओ। लगाओ। क्या इसीलिए आप लोग देखना चाहते थे? देखते हैं लोग क्या कहेंगे। जरा उस सिरप पे देखो। चिकन हूँ। हम चिकन्स हैं। मेरे सारे दोस्त बन गए चिकन्स। वीडियो खत्म हुआ, सब्सक्राइब अगले वाले में मिलते हैं।